कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य करने से पहले विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश जी की वंदना की जाती है। हर पूजा पाठ में सबसे पहले इनका आवाहन किया जाता है ताकि कार्य निर्विघ्न पूरा हो सके। बुधवार के दिन श्री गणेश जी की पूजा का विधान है। इस दिन श्री गणेश जी की पूजा करने से भक्तों के कष्ट मिट जाते हैं, हर विघ्न दूर हो जाता है और घर में शुभता का वास बना रहता है। मान्यताओं के अनुसार गणेश जी की पूजा में उन्हें कई प्रकार के मोदक का भोग लगाया जाता है। इसके साथ ही उन्हें रोली, अक्षत, दुर्वा, पुष्प, इत्र, सिंदूर आदि अर्पित किया जाता है। लेकिन कभी भी भगवान गणेश जी को तुलसी अर्पित नहीं की जाती। वैसे तो तुलसी जी देवी स्वरूपा और प्रातः पूजनीय हैं, लेकिन गणपति पूजन में तुलसी पत्र का अर्पण वर्जित है। ऐसा किस लिए है, आइए जानते हैं इस पौराणिक कहानी के बारे में। पौराणिक कहानी के अनुसार धर्मात्मज नाम का एक राजा हुआ करता था। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम तुलसी था। तुलसी अपने विवाह की इच्छा लेकर लंबी यात्रा पर निकली। कई जगहों की यात्रा करने के बाद तुलसी को गंगा किनारे तप करते हुए भगवान श्री गणेश जी नजर आए। तप के दौरान भगवान गणेश जी रत्न से जड़े सिंहासन पर विराजमान थे। उनके समस्त अंगों पर चंदन लगा हुआ था। गले में स्वर्ण मणि रत्न पड़े हुए थे और कमर पर रेशम का पीतांबर लिपटा हुआ था। उनके इस रूप को देखकर माता तुलसी ने गणेश जी से विवाह करने का मन बना लिया। देवी तुलसी भगवान गणेश जी के पास गई और उनके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। उन्होंने गणेश जी की तपस्या भंग कर दी। तपस्या भंग होने से श्री गणेश जी नाराज हो गए। उन्होंने तुलसी के विवाह प्रस्ताव को ठुकराते हुए कहा कि मैं एक ब्रह्मचारी हूँ। अपना अपमान सह कर माता तुलसी को गुस्सा आ गया। उन्होंने गणेश जी को श्राप दिया कि तुम ब्रह्मचारी नहीं रहोगे, बल्कि तुम्हारे दो विवाह होंगे। यह सुनकर गणेश जी ने भी देवी तुलसी को श्राप दिया और कहा कि उनका विवाह एक असुर से होगा। एक असुर की पत्नी होने का श्राप सुनकर देवी तुलसी ने गणेश जी से माफ़ी मांगी। इस पर श्री गणेश जी ने तुलसी से कहा कि तुम भगवान विष्णु और कृष्ण की प्रिय होने के साथ साथ कलयुग में जगत को जीवन और मोक्ष देने वाली मानी जाओगी और एक पौधे के रूप में तुम्हारी पूजा होगी। तुम्हें सारे देवी देवताओं के भोग में महत्व दिया जाएगा, लेकिन मेरी पूजा में तुम्हें चढ़ाना अशुभ होगा। उस दिन से भगवान गणेश जी की पूजा में तुलसी अर्पित करना वर्जित है।